ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम बादली विधानसभा के काठिया बाबा आश्रम कॉलोनी में, जहां पे हम आए और यहां पे हमने देखा कि लोग यहां पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ रहने के लिए मजबूर है, जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पे ना ही रोड है, ना ही पीने की पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आखिरकार चुनाव के वक्त ही विधायक या निगम पार्षद आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्यों नहीं आते और क्यों नहीं अपना काम करते। यहाँ पे इतनी सारी परेशानियाँ हैं लोगों के, यहाँ पे घर भी टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के विधायक और ना ही यहाँ के निगम पार्षद इसके प्रति कुछ कर रहे हैं। आखिरकार दिल्ली को विकास नहीं, दिल्ली निकास मांग रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कब से ऐसी समस्या बनी हुई है और यहाँ के जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो इस समस्या को लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, कब से एंटी ऐसी समस्या बनी है। समस्या भैया जब से यहाँ लोग बसे हैं जब ही से है, बहुत नेता आए बहुत नेता गए, कोई कुछ किया नहीं। एक बार बड़े हंगामा किए तो केजरीवाल जी पानी लगवा दिए, बस पानी है नहा लो उदय के फेंक दो फिर हाथ गोर धो लो, एक जनी लाइट लगवा दिए। ये हमारे यहाँ कोई नेता कोई काम नहीं करता है। अरे उधर पानी में चलो ना आप लोग, थोड़ा पानी में चलो, वो थोड़ा देखना जरूरी है। पानी इतना कचरा होता है, इतना कहे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जूता मोजा निकाल के लेके जाते हैं, रोड पर पहनते हैं तब स्कूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो और कुछ हमें मिले ना मिले, हमारे यहाँ नाली इसमें सीवर पड़ जाए और खरंजा लग जाए। अब तो हम किसी के वोट नहीं डालेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कोई नहीं, किसी की नहीं देंगे जब तक काम नहीं होगा। कितने समय से रहते हो आप लोग यहाँ पे? 20 साल से ऊपर हो गया, 20 साल से सबसे ऐसी समस्या। हाँ, सबसे ऐसी समस्या। इससे पहले भी तो कोई विधायक होगा, कांग्रेस का भी होगा या बीजेपी का होगा, बहुत बुरी हालत था। ये तो सब अपने आप थोड़ी थोड़ी सुधार भी अपने आप में कर लिए हैं, नहीं तो और पहले तो बहुत बुरी हालत था यहाँ को। पहले तो पानी भी नहीं मिलता, पानी दूर दूर से लाते थे, अब तो मानो पानी एक एक टोटी पे 15-15 लोग भरते थे, किसी को मिलता था किसी को मिल भी नहीं पाता था। अब तो पानी लगा लेकिन पानी बहाव का हमारे पास है नहीं कोई जगह, अपने अपने घर में गड्ढा बना रखे हैं, नहाते हैं फिर पूजा वूजा करके फिर वो पानी को फेंक के आते हैं, तब शाम दिन भर पानी वो गड्ढे में भरते हैं। जिस नेता के जाओ जहाँ जाते हैं कोई सुनवाई ही नहीं है। हमें रोड नाला बहुत ज़रूरत है, हमारे बच्चों के लिए इतना पानी भरा हुआ, हमारे लोग इधर ही बगल में है पूरे पानी में, उन लोगों का पैर सड़ गया है, सबकी पैर खराब हो चुकी है, पानी घर में है, पानी में ठाड़ा होकर रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कितने लोग रोड पे चले गए बैठे हुए, रोड पे पल्ली डाल डाल के बैठे हैं, हर तरह पानी चौबगला पानी, आप कैमरा ले लो और देखो हर तरह से पानी है, अब बीच में हम लोग रह रहे हैं। जो मतलब जो यहाँ के विधायक हैं मतलब एकदम ही काम वाम कुछ भी नहीं करते, बस पानी दिए पानी मिला लाइन है, ये दो चीज़ है हम, और अब ऐसा कुछ नहीं है सुविधा हमें मिला, बिजली पानी यहाँ दिए सुविधा और कोई चीज़ नहीं। ओ पे आते हैं नेता लोग तो कहते हैं क्या, भाइयों बहनों मैं तुझे बहुत जो कहोगे वो करूंगी, आ जब जीत जाते हैं तो किसी शक्ल नहीं दिखाते, चाहे पब्लिक आम जानते चाहे आम जानते मर जा कीचड़ में चाहे कीड़ा पड़ जा, कोई देखने वाला नहीं आता है, आ जब वो लोग का जरूरत होता है तब गले में गले मिलते हैं, समझो। अब फिर वह क्या कहते हैं, अरे मेरी बहनों तू मेरे को वोट दोगे तो मैं तुझे बहुत कुछ कर दूंगी, मोदी जी का भाषण है तो। हाँ ले जाओ, चलो मैं कीड़ा में दिखाऊं बच्चों कैसे खेल रहा है। हमारे यहाँ भैया विधायक जी मतलब जब से अजय से यादव विधायक हुए 10वां साल है, 10वां साल होने वाला है ना, आज तक विधायक यादव यहाँ आए नहीं है, जब वोट लेना था तो आशा यादव उनकी बीबी ने ऐसे पकड़ के गले चपकती थी, कहती थी 3 महीने के बाद हम यहाँ सारा काम करवाएंगे, अब तो आती भी नहीं, मुंह से गाली निकल रही है उसके लिए। आप लोग जाते नहीं हो क्या विधायक के? क्यों, कितनी बार गए, कितनी बार गए, अभी चल जाएं, अभी चल जाएं,
विधायक के पास कितनी बार गए, सुनते नहीं, फोन करने पर उठाते भी नहीं है, नंबर भी दिए, फोन करने के बाद उठाते नहीं। हम लोग का भैया यही समस्या है कि नहा के पानी फेंकते हैं, हम लोग के लिए कुछ सुविधा चाहिए। हमारे संग यहाँ पे एक स्कूल का बच्चा भी है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ऐसी परेशानी बनी हुई है और इसको स्कूल वगैरह जाने में क्या क्या समस्याओं का सामना करता है। हाँ भाई, क्या समस्याओं का सामना करता है? पानी भर जाता है, हमें जूता खोल के जाना पड़ता है, जुराब और रोड पे जाके पहनना पड़ता है। ये समस्या है यहाँ पे। हमारी समस्या का हल कब होगा? रोड और खरंजे कब बनेंगे? आप जब जीत जाते हैं तो आते क्यों नहीं है यहाँ पे? जीत के तो कोई आता ही नहीं है, जब जीत वोट होते तो सब आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जल भराव भी हो रखा है और यहाँ पे घरों में भी आने जाने में दिक्कत होता है। जिनका घर है वो हमारे साथ हैं, इनकी जो ओनर हैं हमारे साथ हैं और इनके घरों में भी पानी घुसा हुआ था। हम इनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये अभी सफाई कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये रहने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, मच्छर वगैरह उसे भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। इनसे हम बात करेंगे कब से ऐसी है, मतलब समस्या बनी हुई आपके घर में। जी हमें तो जब से बरसात हुई है, हो गया 1.5 महीने से बरसात हो ही रही है, अभी तो 15-20 दिन से थोड़ा बहुत घरों में पानी आ जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, हमें घर में पानी भर जाता है तो रोटी बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और हमारा जो गंदा नाला है कॉलोनी के बाहर, वह गंदा नाले का पानी सारा घरों में आ जाता है और कोई यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना नाला है, ना करंजा है, ना लाइट है, हर चीज़ का यहाँ पर दिक्कत ही होती है। आप लोग कैसे रहते हो, मतलब इतनी इसमें एक तो गंदगी भी, एक तो में रात में मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा परेशानी, आप लोग कैसे रहते हो उसमें? तो रहना पड़ता है, गरीब है हम, किराए पर जाएंगे तो सो बातें होती है, किराए पर जाएंगे तो भाई किराए देना को तो इतना तो होना चाहिए हमारे साथ, इसलिए हम यही गरीब है जो झुग्गी। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार या अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो मतलब गरीबों की हितों की सरकार नहीं है? सरकार को किसको क्या कहेंगे हम? सरकार के पास जाते जो नेता लोग होते हैं, नेता लोग के पास जाएंगे तो जब वोट मांगने आ जाता है वोट ले लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नाला लाइट पानी सब कुछ देंगे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है कभी। समस्या बहुत गंभीर है और समस्या बनी भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या बनी भी हुई है। यहाँ पे लोग कीचड़ में रहने के लिए मजबूर हैं, यहाँ पे ना ही पीने का पानी है, किसी चीज़ की कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो कोई समस्या को नहीं देख रहा है, बिल्कुल भी गरीबों के पक्ष में नहीं है सरकार। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन अविनाश के संग मैं सुशील कुमार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।